एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज एमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एट्रियम मॉल में, जो कि सदर में है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस मॉल में ना आपको काफी सारी लोकल शॉप्स मिलेंगी, तो आप अपने बजट में रहकर काफी सारी लोकल शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रांड्स के काफी सारे आउटलेट्स हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या नई बात है, ब्रांड्स के आउटलेट तो हर जगह होता है। तो यहाँ पर बेसिकली ब्रांड्स के आउटलेट ही नहीं, बल्कि ब्रांड्स के फैक्ट्री आउटलेट्स मौजूद हैं। मैं अपने साथ आज बजट लेके आई हूँ 5000 रुपीस का। देखते हैं ब्रांड में हमें 5000 रुपीस के अंदर अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। अच्छा जी, तो मैं आ गई हूँ सबसे पहले सैफायर के फैक्ट्री आउटलेट, और यहाँ पर जो है वो मैं देख रही हूँ अपने लिए शर्ट्स। मुझे सैफायर का आउटलेट जो है वो सारे फैक्ट्री आउटलेट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत रीज़नेबल प्राइस रेंज में शर्ट्स मिल जाती हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फैक्ट्री आउटलेट क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो ब्रांड्स होती हैं वो अपने फैक्ट्री आउटलेट में थोड़ा सा पुराना स्टॉक रखती हैं, यानी कि अभी अगर नवंबर चल रहा है तो फैक्ट्री आउटलेट में आपको सैफायर का जनवरी का स्टॉक मिलेगा। ऑब्वियसली अगर स्टॉक थोड़ा पुराना है, कलेक्शन थोड़ी पुरानी है, तो प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा लो रहती हैं। और यहाँ हर वक्त सेल लगी होती है, और फ्लैट 20 फ्लैट 30% नहीं, बल्कि फ्लैट 50% तकरीबन तमाम आर्टिकल्स पे। अभी जो मैं आप लोगों को शर्ट्स दिखा रही हूँ, ये सारी 1490 रुपीज़ की प्राइस रेंज में थी। आपको इसमें जो है वो डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। कुछ बिल्कुल प्लेन थी, कुछ पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो आई थिंक काफ़ी अच्छी प्राइस है ये। अच्छा, मैं इस वीडियो में ना आप लोग के साथ छोटी छोटी टिप्स भी शेयर करूँगी, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो कि यूनिवर्सिटी जाती हैं और उनके पास थोड़ा सा बजट कम होता है। ये वाली जो आपको शर्ट नज़र आ रही है ना, ये 1200 रुपये की थी, काफ़ी अच्छी इसकी प्राइस मुझे लगी। अच्छा, मैं आप लोग के साथ जो है वो टिप्स शेयर कर रही थी। अगर आप यूनिवर्सिटी जाती हैं तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लोकल मार्केट से शॉपिंग कर लें, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जिनको लोकल मार्केट से जो कपड़ा होता है, जो कपड़े की क्वालिटी होती है, वो अच्छी नहीं लगती। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सही लगती है क्वालिटी उनकी, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जो थोड़ा सा ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहती हैं। तो आई थिंक फैक्ट्री आउटलेट से बेहतर और कोई जगह नहीं है। आप लोग यहाँ के आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 1500 या 2000 रुपये की प्राइस रेंज में एक अच्छी शर्ट मिल जाएगी। आप यहां से अपने बजट में रहते हुए काफ़ी सारी शॉपिंग कर सकते हैं 1500 रुपीज़ की प्राइस रेंज में, या फिर मैक्सिमम भी 2000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में आप यहां से शर्ट लें। उसके साथ आपके घर में वाइट ट्राउज़र भी होगा, ब्लैक भी होगा, बेज भी होगा। आई थिंक ये तीन ट्राउज़र्स के कलर जो है वो सबकी वार्डरोब में होते हैं। आप उस शर्ट को उस ट्राउज़र के साथ पेयर करें, और साथ आप कोई कंट्रास्ट में दुपट्टा ले लें। फॉर एग्जांपल, अगर पिंक शर्ट है तो आप उसके साथ नेवी ब्लू दुपट्टा ले सकते हैं, या फिर वाइट भी ले सकते हैं, प्लेन वाइट भी ले सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, 1500 या 2000 रुपए की प्राइस रेंज में आपका एक कंप्लीट लुक रेडी हो जाएगा, क्योंकि ट्राउज़र भी आपको आपके घर से मिल जाएगा, दुपट्टा भी आपको आपके घर से मिल जाएगा। यहाँ से आपने एक शर्ट लेनी है और आपका लुक रेडी हो जाएगा। ऑनेस्टली, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो ये सारी बातें बताने वाला मुझे कोई भी नहीं था, और मुझे लगता था कि अगर मैं ब्रांड से कपड़े मुझे लेने हैं तो मुझे लकी वन या फिर टॉलमेन जाना पड़ेगा, और एक एक शर्ट मुझे 4000-3000 रुपीज़ की लेनी पड़ेगी, तब जाके मेरा जो है वो एक आउटफिट या लुक कम्प्लीट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने बजट में रह के ब्रांड अगर पहनना चाहते हैं तो आप आराम से इन फैक्ट्री आउटलेट से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने लिए शर्ट्स ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मैंने जो अभी वाली शर्ट ये पेयर की हुई ना, नेवी ब्लू और इस पर येलो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, मैंने ये भी यहीं से ली थी, और ये आई थिंक मुझे 2000 रुपीज़ की मिली थी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है ये। ये वाली शर्ट भी मुझे अच्छी लग रही थी, और ये 1200 रुपीज़ की थी, लेकिन ये स्लीवलेस थी, और आगे सर्दियाँ आने वाली हैं तो मुझे लग रहा था कि इसका कोई लेने का फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, इस तरह की फ्यूजन टॉप्स भी यहाँ पर थी, जिसको आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो शर्ट्स थी मैंने शॉर्ट लिस्ट की थी, ये मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने कहा इनमें से कोई मैं चूज़ करूँगी, कोई दो या फिर तीन, जितना भी मेरे बजट में आ सकें। यहाँ से मैंने जो है वो तीन शर्ट्स अपने लिए फ़ाइनलाइज़ की, और जो मुझे शर्ट्स अच्छी नहीं लगी बाद में वो मैंने वापस रख दी। इस फैक्ट्री आउटलेट में आपको लड़कों की भी काफ़ी वैरायटी मिलेगी। इसमें आपको वेस्ट कोट मिल जाएगी, अगर आप अपने फादर के लिए लेना चाहते हैं, अपने भाई के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ट्राउज़र्स की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी, सारे प्लेन में थे, जिसमें आपको डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, और इस पर भी फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ था।
अनस्टिच में भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, जिसमें आपको फ्लैट 30% ज़्यादातर ऑफ मिलेगा। अनस्टिच में इतनी ज़्यादा अच्छी सेल नहीं होती है इनके पास। यहाँ पर मैं अपने पेमेंट कर रही हूँ। अच्छा, मैंने 3 शर्ट्स लिए हैं यहाँ से, और बजट जो है वो मेरा थोड़ा सा जो है वो ओवर हुआ है। वो मैं आप लोगों के साथ घर जाके शेयर करूँगी, और ये सारा जो हॉल है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी घर जाके। फ़िलहाल मेरी शॉपिंग हो गई कंप्लीट, क्योंकि 5,000 रुपीज़ मैंने पूरे खर्च कर दिए हैं सैफायर में ही। अच्छा, यहाँ जाते जाते ना मुझे ये एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट नज़र आई है, ये नेट पे बनी हुई थी, और इसकी एक्चुअल प्राइस थी 8,000 रुपीज़, लेकिन सेल के बाद फ्लैट 50 के बाद ये आपको 4,000 रुपीज़ की मिलेगी। काफ़ी अच्छी लग रही थी, लॉन्ग शर्ट थी ये, लॉन्ग लेंथ में। इसी तरह की एक और शर्ट भी थी, इस पर भी फ्लैट 50% ऑफ था, मेहंदी कलर था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलें जी, शॉपिंग हो गई है मेरी कंप्लीट। यही मैंने सारे अपने 5,000 रुपये लगा दिए हैं। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, बजट मेरा आउट हुआ है थोड़ा सा, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन मैं सोच रही हूं कि आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी खादी की कलेक्शन दिखा देती हूं, थोड़ी सी जो है वो एथनिक की कलेक्शन दिखा देती हूं कि वहां क्या क्या वैरायटी आप लोगों को मिलेगी। अभी मैं आ गई हूँ खादी। एक टाइम पे खादी मेरा फेवरेट ब्रांड हुआ करता था, लेकिन आई डोंट नो मैंने क्यों बीच में इसको पहनना ख़त्म कर दिया। खैर, यहाँ पर जो है वो स्लीवलेस में मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रहे थे, और ये सारे आपको फ्लैट 50% ऑफ पे मिलेंगे। अच्छा, ये वाली जो इनकी कलेक्शन है ना खादी की, ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। अभी आई थिंक ये मैंने बड़ी ईद पर इनके ये सारी जो है वो कलेक्शन इनके स्टोर्स में देखी थी, तो ये इनकी आई थिंक 7 to 8 months पुरानी जो है वो इनकी कलेक्शन है, जो कि अब इनके फैक्ट्री आउटलेट पे फ्लैट 50% ऑफ पे मिल रही है। ये वाली शर्ट फ्लैट 50% ऑफ पे 1,100 रुपीज़ की मिल रही थी। ये वाली शर्ट जो थी इस पे 40% ऑफ लगा हुआ था। स्लीवलेस शर्ट थी, पिंक एंड ग्रीन के कलर कॉम्बिनेशन में, और ये आपको सेल के बाद 1,700-1,800 रुपये की मिल जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ कि अगर आप फैक्ट्री आउटलेट से शॉपिंग करने आए ना, तो आप कोशिश किया करें कि 1,500-2,000 रुपये की प्राइस रेंज में आप शर्ट लें, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा की लेंगे 2,500-3,000 रुपये की, तो आई थिंक वो फैक्ट्री आउटलेट का पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर न्यू वैरायटी या न्यू अराइवल नहीं होता ब्रांड्स का, यहाँ पर थोड़ा सा पुराना स्टॉक होता है। तो 2,500 या फिर 3,000 रुपये एक शर्ट के लिए देना, वो भी अगर उनकी पुरानी कलेक्शन में से है, तो आई थिंक ये ठीक नहीं है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग कम जो है वो प्राइस रेंज में शर्ट लें, ताकि आपका एक पूरा कम्प्लीट लुक रेडी हो सके आपके बजट में रहते हुए। खादी पर मुझे काफ़ी सारे जो है वो 2-piece 3-piece सूट नज़र आ रहे थे। आप ये देख सकते हैं, इसके साथ जो है वो शर्ट थी, दुपट्टा था, ये 2-piece सूट था, और इस पर भी फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ था। अच्छा, मैं इन सब की प्राइसेस ना मेंशन करती रहूँगी साथ में, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रही है एग्जैक्ट, तो मैं टैग देख के यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूँगी। ये वाला जो सूट था ये 3-piece था, जिसमें आपको दुपट्टा, शर्ट एंड प्लेन ट्राउज़र मिलेगा, और ये प्रिंटेड था, इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई थी, इस पर भी फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ था। ये वाला जो सूट था इस पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी इसकी नेक लाइन पे, और इसके साथ जो है वो शिफॉन का दुपट्टा था, और इसके साथ प्लेन ब्लू ट्राउज़र था। तो इसकी प्राइस भी मैं नीचे कहीं मेंशन कर दूंगी। अब मैं आ गई हूँ एथनिक, और एथनिक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। अभी जो सामने आप शर्ट देख रहे हैं, इस पर जो है वो लेस डिटेलिंग हुई हुई थी, और ये 2,000 रुपीज़ की थी। इस रैक में आपको जितनी भी जो है वो शर्ट्स नज़र आएंगी, वो 2,200 रुपीज़ की प्राइस रेंज में थी। अच्छा, अगर आप सेमी फॉर्मल्स या थोड़े से काम वाले कपड़े ढूँढ रहे हैं ना, तो आप एथनिक को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स और प्लाजो पैंट्स और इस तरह के कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस रेंज में मिल जाते हैं, यानी फ्लैट 50%, फ्लैट 40% ऑफ पे।
अच्छा, इनके पास ना ट्राउज़र्स की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। अभी जो मैं आपको सामने शलवार दिखा रही हूँ, प्लेन शलवार थी, आई थिंक इसके बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये 1000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में थी। तो आपको यहाँ से न्यूट्रल बेज कलर, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो है वो इस तरह के कलर्स आपकी वार्डरोब में होने चाहिए, वाइट, इसके अलावा ब्लैक, बेज, तो आई थिंक आप यहाँ से ले सकते हैं इस तरह के ट्राउज़र्स, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फ्लैट 50% ऑफ पे आपको सारे ट्राउज़र्स मिल जाएंगे। तो शॉपिंग हो गई है मेरी कंप्लीट। मैंने काफ़ी सारे आउटलेट्स को विज़िट किया, सेफायर में गई, एथनिक गई, इसके अलावा खाड़ी गई। आखिर में मुझे सेफायर से कुछ शर्ट्स अच्छी लगी। मैं ज़्यादा लॉन्ग शर्ट्स पहनना पसंद करती हूँ, लेकिन मेरा बजट थोड़ा सा आउट हो गया है। 5000 रुपीज़ का मैं बजट डिसाइड करके आई थी, लेकिन मेरी शॉपिंग जो है वो 5500 रुपीज़ में हुई है। आई थिंक ठीक है, मतलब अगर आपको अच्छी चीज़ मिल गई है तो आई थिंक 500 रुपये का डिफरेंस कोई मैटर नहीं करता। मैं इसका हॉल आप लोगों के साथ घर जाके शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो कल मैं गई थी एट्रियम मॉल और मैं अपने साथ बजट लेके गई थी 5000 रुपीज़ का। मैंने आपको डिफरेंट फैक्ट्री आउटलेट्स दिखाए, खाड़ी का, सेफायर का, एथनिक का। मैंने जो शॉपिंग की है वो सेफायर से की है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं उनके कपड़े। तो मैं 3 शर्ट्स लेके आई हूँ, मेरा बजट थोड़ा सा आउट हुआ है। 5500 रुपीज़ में ये 3 शर्ट्स आई हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। मैं चाहती तो एक 1200 वाली भी शर्ट ले सकती थी, जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाई थी, तो मेरा बजट जो है वो पूरा हो जाता और हम चैलेंज जो है वो ये जीत जाते। लेकिन मुझे आखिर में एक पिंक शर्ट अच्छी लग रही थी, उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और वो अंगरखा स्टाइल में फ्रॉक थी, जिसकी वजह से मेरा बजट थोड़ा सा आउट हो गया। तो ये है जी वो सारी शॉपिंग जो कि मैंने सेफायर से की है। मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ, प्राइसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, रेड कलर की ये शर्ट है लॉन्ग लेंथ में। अभी जो मैं पहनी हुई ना, ये भी मैंने सेफायर से ही ली थी, अभी कुछ मंथ पहले की बात है, 2 से 3 महीने पहले मैंने ये ली थी। प्रिंटेड है, लॉन्ग लेंथ में है ये, और ये मैंने कोई 1700 रुपीज़ की ली थी और ये पहनकर बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह की एक ये शर्ट है रेड कलर में, ये देखें, ये है इसकी नेकलाइन, ठीक है, इस पे हुक लगता है तो ये ऐसे बंद हो जाता है, और ये पूरी लॉन्ग कमीज है। ये आप देखें इसका बॉर्डर, आप देखें, ठीक है। स्लीव्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्लीव्स पर जो है वो देखें इस तरीके से लेस लगी हुई है, और इसकी नेकलाइन पर जो है वो ये देखें ब्लैक कलर के जो है वो पर्ल्स लगे हुए हैं, और बॉर्डर में अगर आपको इसका दिखाऊं तो इसका इस तरह से बॉर्डर है, इस पर भी जो है वो लेस डिटेलिंग हुई हुई है। प्राइस मैं आप लोगों को जो है वो इसकी बता देती हूँ, ये सेल से पहले था 3490 का, यानी 3500 रुपये का था, और ये मुझे फ्लैट 50% के बाद मिला है 1750 रुपीज़ का। 1750 रुपये की मुझे जो है वही लॉन्ग शर्ट मिली है, इसको मैं आराम से जो है वो वाइट ट्राउजर के साथ पहन सकती हूँ और मेरा एक कंप्लीट लुक रेडी हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो में भी बता रही थी कि आपको 1500 से 2000 तक की प्राइस रेंज में जो है वो एक शर्ट लेनी है तो आपको एक लुक जो है वो कम्प्लीट रेडी हो जाएगा बजट में रहते हुए। अब मैं आप लोग को जो दूसरी शर्ट दिखा रही हूँ, बेसिकली वो ए लाइन फ्रॉक है ग्रीन कलर की। कलर मुझे इसका बहुत प्यारा लग रहा है और आई थिंक मेरे पास इस तरह का कलर है भी नहीं। तो ये जो है वो इस तरह से फ्रॉक है, ठीक है, ये इसकी आप नेक लाइन देख लें, इसमें जो है वो टैसल लगा हुआ है, और ये इसकी जो है वो पूरी लुक है, ठीक है। अच्छा, इस पे ना स्लीव्स पे इसकी पर्ल्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये देखें इसके स्लीव्स पे पर्ल डिटेलिंग हुई हुई है, 3490 रुपीज़, और इस पर भी जो है वो फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ था, तो ये भी मुझे 1750 रुपीज़ की मिली थी। अच्छा, इसका जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा सर्दियों का है, यानी कि कैम्ब्रिक कॉटन इसको आप कह लें, तो गर्मियों के लिए नहीं है ये। तो मैंने कहा सर्दियां भी करीब आ रही हैं, तो फिर लॉन की, तो मैंने ये 2 शर्ट्स जो ली थी रेड वाली और एक जो भी मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी वो भी लॉन की है,
तो मैंने थोड़ा सा मोटा फैब्रिक ले लिया ताकि मेरी सर्दियां भी जो है वो आराम से गुजर जाएं। अब जो लास्ट शर्ट मैं आपको दिखाने लगी हूँ पिंक कलर की, इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा बजट आउट हुआ है क्योंकि ये थोड़ी सी कॉस्टली थी, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है ये, तो इसकी वजह से प्राइस जो है वो इसकी थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा, ये जो है वो अंगरखा स्टाइल में फ्रॉक है, इसकी आप नेक लाइन देखें, इस पर जो है वो बटन लगा हुआ है यहाँ पर, इसके अलावा ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये एक लॉन्ग जो है वो फ्रॉक है, ठीक है। इसकी स्लीव्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस पर भी जो है वो ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है, एंड बटन लगा हुआ है। तो काफी अच्छी मुझे ये शर्ट फ्रॉक लग रही थी, इसको भी आप व्हाइट ट्राउजर के साथ यानी खुले पांचों वाला जो ढाका पजामा होता है ना उसके साथ आप पहन सकते हो। इसकी प्राइस जो थी वो सेल से पहले थी 4000 रुपीज, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडर्ड है तो इसकी वजह से थोड़ी सी महंगी है ये। इस पर भी 50% ऑफ लगा होता तो मुझे ये 2000 रुपए की मिली थी। तो ये थी वो सारी शॉपिंग जो कि मैंने कल की है। अगर आप लोग बजट में रह के अपनी शॉपिंग करना चाहते हैं तो फैक्ट्री आउटलेट्स को जरूर आप विजिट कीजिएगा। एट्रियम मॉल सदर में है ये, इसकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो को मैं रखूंगी यहीं तक, आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी डिफरेंट कंटेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।